प्लीज रुकिए। अंशुमन जी, अंशुमन ये क्या कर रहे हो? वोट में तो हो। अंशुमन, अंशुमन गुस्से में लिया हुआ फैसला गलत होता है बेटा। गुस्से में कोई फैसला मत लो, हम शांति से बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अंशुमन, अंशुमन जी प्लीज 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 हट जाए अंदर। अंशुमन नहीं, अरे विधाता ये क्या हो रहा है? अंशुमन जी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए पिस्तौल प्लीज, अंशुमन जी छोड़िए प्लीज। आप मुझे मार के सारा किस्सा खत्म करना चाहते हैं ना, तो कीजिए खत्म। नंदन, मुझे भी ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें मेरे साथ सुमन ना हो। नहीं जीनी, मारिए। प्लीज ऐसे मत करिए। नहीं सुमन, बीच में मत आओ, मत रोको पिप्पी को, मारने दो। लेकिन एक बात पिप्पी याद रखिएगा कि मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मारिए, खत्म कर दीजिए मुझे। कुमार हट जाओ सुमन, आज दोनों भाइयों में फैसला हो ही जाए। अंशुमन जी नहीं, नंदन छोड़ो प्लीज। अंशुमन जी मत करिए। सुमन अब मेरी पत्नी है और यही सच है, इसलिए तू अपनी इज्जत छोड़ दे। और अगर मुझे मारने से तेरी इज्जत पूरी होती है तो ले, उठा ये बंदूक और चला दे गोली मुझ पर। चला गोली मुझ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो वही सही। नंदन, 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 पिस्टल नीचे करो नंदन। गोली चलाना ना तुम्हें, चलाओ गोली, हम पर गोली चलाओ। हम ही है ना फसाद की जड़, तो हम पर चलाओ गोली, अंशुमन जी पर नहीं। सुमन मैं कह रहा हूँ बीच में मत आओ, प्लीज हट जाओ। अंशुमन हट जाओ, आज दोनों भाइयों में फैसला हो ही जाए। पिस्टल नीचे करो, पागल मत बन जाओ। अरे क्या कहा कर रहे हो तुम लोग? रुक, छोड़ो, मत झगड़ो, गोली चलाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप ये सिर्फ मेरी बात, सिर्फ मेरी, समझे? बात मत आओ, कह रहा हूं वरना बहुत बुरा होगा। बस नंदन, ये सब बातें बाद में हो सकती है, पहले छोटकी बहू को हाथ पर डालने जाना जरूरी है। दादाजी मैम, सुरभि मां, सुरभि मां, you
मैंने माँ पर गोली चलाई, मैंने अपनी माँ पर गोली चलाई नाना जी, मैंने माँ पर गोली चलाई नाना जी, मेरे माँ पर गोली चलाई नाना जी, मेरे माँ पर गोली चलाई। मेरी बात सुन, देखो ये गलती तुमसे जानबूझकर नहीं हुई है बेटा, ये सब समय का दोष है। और देखो नंदन बाबू ने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसे दिल पे मत लेना बेटा, तुम सीधा अस्पताल जाओ, अभी जाओ। बाबूजी आप नहीं जाएंगे अस्पताल? नहीं बहुरिया, हमें किसी बहुत बड़े संकट के आने की आहट सुनाई दे रही है, हमें मर जाना होगा अभी इसी समय। भाऊजी चाहे मंदिर जाइए चाहे मठ जाइए, बाकी उस संकट सुमन तो खुद ही हॉस्पिटल गई है, और जिस परिवार पर उसकी परछाई रहेगी वो परिवार संकट से कहां उबर सकता है। देख क्या देखा, क्यों देखा, आखिर इसका अर्थ क्या है? क्या हुआ नाना जी, आप इतना परेशान क्यों है? कहीं कुछ बुरा होने का संकेत तो नहीं मिला ना आपको? जो विधि ने निर्धारित किया है वो होकर रहेगा, हम विधि के विधान को बदल नहीं सकते हैं। आने वाला समय सुमन के लिए बहुत भारी है, हमें कुछ करना होगा। सुमन अस्पताल में होगी, इसके पीछे ही हमें कोई ना कोई उपाय करना होगा। एकादशी हमारी सुरभि माँ को ठीक कर दीजिए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारी सुरभि माँ को लौटा दीजिए हमें एकादशी, प्लीज सुरभि माँ अपनी सुमन के पास लौट आइए। संभालो बेटा, चिंता मत करो, सुमित जी को कुछ नहीं होगा, पूरे परिवार का प्यार सबकी दुआएं उनके साथ है। आपको पता है पापा, जिंदगी भर हम जिस माँ के लिए तरसे उस माँ का प्यार हमें सभी माँ से मिला, उनकी पलकों के छांव में हमें ढेर सारा प्यार मिला, उन्होंने उन्होंने माँ की कमी पूरी की है हमारी, सुरभि माँ की वजह से हमें आप मिले, दादाजी मिले, बड़ी माँ मिली, मेरा पूरा परिवार मिला। उससे पहले तक हमारे पास कोने के लिए कुछ भी नहीं था, हमें कभी कोई डर नहीं सताया, लेकिन अब हमें डर लगता है पापा, अब हमारे पास कोने के लिए बहुत कुछ है,
हम कुछ नहीं खोना चाहते, हम सुषमा को नहीं खोना चाहते, हम सुषमा को नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते, किसी को खोना नहीं चाहते पापा। सुन, ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल, हमारी छोटी माँ को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना, हमारा परिवार हमेशा से एक साथ था, एक साथ और एक रहेगा हमेशा के लिए। सुमन, हर्षी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, और हमारा ईश्वर इतना निर्दयी थोड़ी ना है, इतना बड़ा अन्याय करे हम पर, हमारी छुटकी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाऊजी, नंदन और अंशुमन कहाँ है? वो दोनों नहीं दिखाई दे रहे। बेटा सुमन, तुम जाओ बेटा, उन दोनों को ढूंढो, देखो वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। नहीं पापा, सुमन जाओ, हम देखते हैं। माँ के लिए दोनों भाई आपके शरण में आए हैं माता रानी, हमें बस हमारी सुरभि माँ लौटा दीजिए प्लीज। सुमन, अंशुमन भैया, नंदन, डॉक्टर ने आईसीयू में जाने का परमिशन दे दिया। तुम अंदर नहीं जाओगी, तुम्हारे कारण हमारे छुटकी को, हम नहीं चाहते कि हमारी छुटकी को और तकलीफ हो, इसलिए तुम नहीं जाओगी अंदर। बड़ी माँ, हमारी सुन भी माँ, हम कहती है नहीं जाओगी ना, तो नहीं जाओगी बस। बड़ी माँ प्लीज, हमारी वजह से सुरभि माँ को कभी कोई तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती, प्लीज हमें सुरभि माँ से मिलना है, प्लीज हमें जान दीजिए सुरभि माँ। अंशुमन जगह है, माफ कर दीजिए पापा। डॉक्टर, कोई आइडिया है माँ को कब तक होश आ जाएगा, कुछ क्लियर बताइए ना प्लीज। अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। देखिए,
क्या हाल कर दिया आपने मेरी माँ का। आज मेरी माँ मौत से लड़ रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, समझे आप? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आईसीयू है, कोई अखाड़ा नहीं। प्लीज बाहर जाइए आप लोग। नंदन, अंशुमन, बाहर आओ, पुलिस आई है। देखिए इंस्पेक्टर सर, जो कुछ भी हुआ वो हमारे घर का मामला है, वो बस एक हादसा था और हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि आपको यहाँ बुलाया किसने? मैंने बुलाया। और क्यों, क्यों पुलिस की जरूरत नहीं है सुमन? मेरी माँ पर गोली चलाई गई है और जिसने भी ये गोली चलाई है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। ये है मिस्टर अंशुमन झा और इन्होंने मेरी मां पर गोली चलाई। इन्हें अरेस्ट कीजिए और लेकर जाइए सर। नंदन, वो मेरी मां भी है। आपकी मां नहीं है, वो सिर्फ मेरी मां है, सिर्फ मेरी, समझ में आ रहा? बस करो नंदन, अपने बड़े भाई को बिग बी कहने की मर्यादा भी भूल गए हो तुम। और क्या कह रहे हो, अंशुमन जी ने गोली चलाई, अंशुमन जी की वजह से सुरभि वहां पे ऐसे? नहीं नंदन, ये मत भूलो कि किसने किस पर बंदूक तान कर रखी थी। सुमन, मैं नहीं बोला हूं, शायद तुम भूल गई हो कि बंदूक लेकर कौन आया था। मिस्टर अंशुमन झा, राइट? और जिसने जिसने मेरी मां पर गोली चलाई, यू आर जस्ट मर्डरर, समझे आप? नंदन, तुम्हारी मां अभी जिंदा है और हम भी अभी जिंदा है नंदन, और हमारे रहते तुम अंशुमन को जेल कैसे भिजवा सकते हो अभी बिना उसकी गलती के? नंदन सही कह रहे दादाजी, गोली तो मुझसे ही चली ना अपनी मां पर, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मां मत कहिए, माँ नहीं है वो आपकी, समझे? माँ कहने का हक खो दिया है। नंदन और अंशुमन, तुम भी, मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, तुम दोनों इतने बड़े नहीं हुए कि राय बहादुर खानदान के फैसले ले सको, और ना मैंने तुम दोनों को यह अधिकार दिया है। अपनी हद में रहो नंदन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक छोटकी बहू को होश नहीं आ जाता हमारे परिवार का कोई भी सदस्य स्टेटमेंट नहीं देगा। जी ठीक है। आज तो आपको दादाजी ने बचा लिया, लेकिन देखता हूं कब तक आपको कौन कौन बचाता है मिस्टर अंशुमन झा। सुमनिया नंदनी बहू को लेकर कोने में किसने गई है? अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आज भागलपुर शहर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उस घटना में जसप्रीत गवाह का बयान हमारे पास है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? और ऐसी कौन सी बात थी जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? नंदनी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों दोस्त, इसलिए दोनों भाइयों के बीच जो कुछ भी दरार आई है उसका सॉल्यूशन हम दोनों को मिलकर निकालना होगा। कोई समाधान नहीं दिख रहा राय बहादुर खानदान के दोनों भाइयों के बीच की टकराव का, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो सुमन जा वहाँ पर है। अब सब समझ आ गया है, बड़े लोगों का खेला बड़ा होता है। कहा बताए, ना मान ना मर्यादा ना रिश्तों का ख्याल, सब दिखावा है। और इस सब में गोली से मर गई बेचारी माँ, बेचारी बीच बचाव में गई थी, अंशुमन बाबू ने अपने भाई नंदन को मारने के चक्कर में गोली चला दी। हम पर विश्वास नहीं ना तो आप खुद जाकर उस परिवार से सब पूछ लीजिए। नंदनी बढ़ गया कलेजे को ठंडा, हो गया मन शांत। अरे तुम्हारे इस टीवी को बंद करने से क्या हो जाएगा? दुनिया का जबान बंद कर दोगी क्या ऐसे?
जमाना कहेगा और वो अमोली वो चाहे सही हो चाहे गलत हम तो हो गए ना बुरे सारा जमाना की नजर में। लड़की बहुत धीरे बात करो, अस्पताल है और अस्पताल में हम कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते। नहीं बाबू जी, तमाशा तो खड़ा हो गया है, देखा आपने, और इस सब का कारण है ही लड़की, ही लड़की। नहीं बड़ी माँ, सुमन ने हमेशा इस परिवार पे आने वाली मुसीबतों को रोका है। आप भले ही सच से मुंह मोड़ लें, लेकिन सच तो यही है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ नंदन है। वाह, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बता रहे। सबान संभाल। बस बस प्लीज, तुम आप दोनों के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बस भगवान जी के लिए चुप हो जाइए। सुनिए मामा बीमार है और आप लोग, और हाँ ये सब हमारे कारण हो रहा है ना, हम ये ना फसाद की जड़ तो ठीक है, सुरभि माँ के ठीक होते पूरे राय बहादुर खानदान को छोड़कर चले जाएंगे।